अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत फ़ज़ल करे। नाज़रीन, आज की वीडियो बल्कि मैं पंजाबी च बनाना पंजाबी च गल करी है क्योंकि पंजाबी बड़ी जरूरी है अज गल करनी, क्योंकि माली नूर मुकदम के केस विच माली ते नाल की है उदा खानसामा ते चौकीदार तीनों गरीब ने ते पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं। एक तो यह वजह है, दूसरी वजह है कि जी असमत है ना, असमत तो पता तुम, असमत बड़ी इंग्लिश अमरीका तो सीख के आई है। ठीक है, उन्हें कहा कि अपने जोड़ा वो जमानत लैन वास्ते सुप्रीम कोर्ट च भी हाई कोर्ट च भी जड़ियाँ चीज़ा लिखिया से ना, वो उन्हें लिखा कि मैं एक पढ़ी लिखी खतून हाँ, मैं चैरिटी करनी है, मैं सोशल वर्क करनी है, तो मैं अमरीका तो डिग्री ले दी है। मतलब समझ रहे हो तुम, मैं हूँ सारिया गल्ला रिपीट कर क्योंकि इन्हों के जो बयान आए हैं कल 3 नवंबर, 3 नवंबर की होना, 3 नवंबर पेशी है, 4 गवाह उन्हों के बयान कलम बंद होने ने, ते फिर मामला अगे चलना है, 3 हफ्ते हो जाने ने, लेकिन 8 हफ्ते दे विच फैसला होना चाहिए। मैं समझना कल ही फैसला होना चाहिए, मेरी एक जाती ख्वाहिश है, जहरी गल मैं वो इजहार तो कर सकता ना कि होना चाहिए, क्यों कि दरिंदे का, दरिंदे का इस वजह तो होना चाहिए क्योंकि मैंने एक गल दसो जरा, सारिया गल् साइड पर करो, सहूलतकार मुआवन ये वो सारा, दरिंदा तो मौके पर फड़िया गया, CCTV फुटेज ऑन रिकॉर्ड है, हूँ फोरेंसिक भी आए, सुनया कि FIA वालिया ने अपनी सारी तफ्तीश मुकम्मल करके सारा डाटा बना के पुलिस के हवाले भी करता, वह भी पेश हो जाएगा, तो एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड नाओ। तो की हूँ, सॉरी मैं इंग्लिश बोलती जी पंजाबी वालों माजरत, लेकिन हूँ होना की चाहिए, हूँ होना यह चाहिए असूली तौर पर कि बई इन्हों दरिंदे नू फटाफट लटकाना चाहिए, देर किते बगैर कोई वड्डी जी उच्ची जी जगह लभ के उन्हों उत्थे टंग छड़ना चाहिए असूली तौर पर। तो मैं तुम्हें पता है खुले दिल का आदमी डरे बगैर गल करना, जिहड़े मेरे व्यूअर ने जानते हैं ठीक है सारे के बारे में, क्योंकि मैं वो ना वो कल तुसी अगर वेख्या हो क्रिकेट मैच में ना हरभजन ने ट्वीट की थी इंडिया डू और डाए, कि मतलब इंडिया डू या डाए, तो इंडिया वाली टीम ने डाए फाड़ लिया, डू छड़ छड़िया, लेकिन मैं भी डू और डाए के फिलोसफी से चलना कि मतलब या तो करो या ना करो, मतलब कहता है कि यह विशकारला काम मेरे को नहीं होता, कि यह मसले हत यह ड्रामेबाजी, तो मैं इस चीज़ की फिक्र नहीं करता कि होएगा, क्यों क्योंकि दरिंदियां की तो हूँ टेंशन नहीं मिलूँ। दूसरी चीज़ तक गल हैगी कि लोग कई कई यह प्रॉब्लम होती है कि कोर्ट केस चल रहे हैं तो वह चल रहे हैं, तो कोर्ट ने फिर जी मैं तो कोर्ट के खिलाफ कोई गल नहीं कहता, मैं तो कोर्ट को हमेशा कहना गो गर्ल मोर पावर टू यू, मतलब गो कोर्ट, मतलब कोर्ट जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी राय भी नहीं देनी और तो फिर करना की है। मतलब बंदा पूछे कि एक मुल्क दे विच इन्ना जुलम हो जाए कि एक लड़की की गर्दन कट जाए, ठीक है, तो असी अपनी राय भी ना दे कि भाई यह की हो रहा है कि सजा जल्दी मिलनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो फिर मामले खराब हो जाते हैं कि बंदा डरता कि यार कोई कुछ के ना, लेकिन तुम्हें पता मेरा यह मामला नहीं है तो मैं खोल के गल करा। इस वजह तो एक जस्टिस फॉर नूर पेज हैगा, वो ऑफिशियल कुड़ियां ने मिल मुंडिया ने जिन्होंने भी मिल के बनाया बाहर दे, उन्होंने कहा जी कि जस्टिस फॉर नूर से असी करा नूर की कंपेन, तो उन्होंने मेरा मेरी रबता होया तो मैं उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो शेयर करो, मैं भी बोलना मूँह ना बोलना, उन्होंने मेरी वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं बच्चे बनैन माफिया के खिलाफ भी बोल जाना, तुम्हें पता वो बनैन माफिया वाला की चक्कर है, वो तुम्हें पता वो जी फेमनिस्ट, तो उन्होंने शेयर की या जो भी वजह से, तो बंदा पूछे साडा एक मकसद है, तुम अपनिया गलतियां मामले साइड से रखो, मेरे मेरी चीज़ को साइड से रखो कि मेरी की शायद पसंद नहीं आ रही, तुम्हें की मामला पसंद नहीं आ रहा, तुम इस टाइम एक मौकफ से नूर वास्ते सपोर्ट करो, मैं भी तुहाडी करना, लेकिन नहीं की, फायदा यह होंगे कि वीडियो ज़्यादा जारी गल चलती सी, तो चलो तुम्हें लगता जो मैं फायदा हो जाएगा तो मैं कि इतने बंगले पालने ने, लेकिन यह गल है कि मैं जी गल करनी सी होर कोई नहीं कर सकता, मैं इतने मूँह तो कहना ठीक है, होर कोई करे क्योंकि हर बंदे ने मसलियत में थोड़ा जहा रहना होंगे, तो मैं थोड़ा जहा आउट ऑफ द बॉक्स भी चल जाना, तो थोड़ा जहा अपना दिमाग भी खोल लेना, तो नाले मसलियत तो भी निकल जाना, तो मैं इस चीज़ को तोड़ लैके चलना सी, क्योंकि TV से यह चीज़ उठ गई थी, YouTube का एक चैनल से, तो YouTube से मैं कोशिश की इन्हों कह दी लेकिन नहीं किया। खैर छोड़ो, हूँ मैं पंजाबी भी इस वजह तो आ गया, मैं चलो कोई साढ़े पंजाबी भरा भी सुन रहे होंगे ने, हूँ सिंधी पछतो बंगाली बंगाली तो नहीं सुनते, सिंधी पछतो जो भी मतलब वह बोल लाँगे या जो भी अगली वीडियो तो पछतो च बोलेंगे ठीक है ना, तो बहरहाल फिलहाल पंजाबी गल करने, तो होया ए वे कि कल 3 तरीक कल सारे मामले अगे डिवेलपमेंट होएगी, लेकिन मैं हूँ गल जी कर लगा गल ए वे कि मैं अपने वजीरे आजम इमरान खान साहब को पंजाबी मुतमुकफ दे सकना, अपना मुखातब हो सकना जी उन्होंने समझ आ जाए, तो बहरहाल खान साहब रिक्वेस्ट है कि खान साहब इमरान खान साहब या PTI के पंजाब के जोड़े भी वेख रहे हैं नूर मुकदम का मामले में, खान साहब ने कहा नूर मुकदम मेरी बेटी की तरह है तो मैं इस केस में वेखागा, तो बई खान साहब ताकि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है एज आ सपोर्टर रिक्वेस्ट है, एज आ लवर रिक्वेस्ट है, एज आ आशिक रिक्वेस्ट है, मैं ताड़ा आशक कि बई ताड़ी पॉलिसी नहीं आशक, सब चीज़ों का आशक, मैं घबरा भी नहीं, जिस तुम्हें क्या घबराना नहीं तो मैं क्या ठीक है नहीं घबराते, सुकून मोल मिठे चोल, तो तुम मेरी गल सुनो, यह तुम क्या कि मैं इन वेखागा, तो तुम उस तरह वेखो ना जिस तरह नवाज शरीफ में वेखते थे ठीक है,
मतलब वो करप्शन केस जी तुसी ये क्यों सोचते हो कि उन्हें पूरे मुल्क लुट लिया, ये तो सिर्फ एक कतल है भाई, एक इंसानियत का कतल, पूरी इंसानियत का कतल नहीं कहा जाता। तो तुसी मैंने एक गल दसो कि यह कतल एक आसान कतल थी, इन्नी तकलीफ जी वो नूर मुकदम गुजरी, इन्ना खौफनाक होया, वह प्यो एम्बैसडर, ठीक है, वो वालद साहब एम्बैसडर रिटायर, वो उन्होंने इस टाइम डी चौक से आके खलोना पैंदा एंड चार्ट फड़ के, ठीक है। तो हुण मामले मैं इस वास्ते गल कर रहा कि मैं इसकी वजह की गल करन दी कि औरत होने की वजह तू असमत जी आदमखोर की माँ, बेशर्मा की माँ, बेशर्मा ही कहांगा ना मैं, तभी तो क्या मैं मसले च नहीं रहना, बेशर्म नहीं कहीए तो और की कहीए, कि मतलब उन्हों की जमानत हो गई है तो वह घर बैठी F74 के F7 का ही मैं हाले वाक्य सुना रहा एक, कि उत्थे एक मुंडा स्टैचू बन के खड़ा गरीब, स्टैचू बन के खड़ा गरीब पैसे कमाने वास्ते, तो उत्थे पुलिस वाले ने उन्होंने चुकता कि जा भाई इतने तू नहीं खलो सकता क्योंकि तू गरीब है, यानी कि तू तेरे को कड़ा NOC लैके आ। तो यही मामला है कि एक पास अमीर ने चावान के ढाबे लाए ने, सारा कुछ हो रहा एलिटिस्ट फुटपाथा के उत्ते, ठीक है, तो वो जो बेचारा स्टैचू बन के पैसे कमा रहा है उन्होंने उतों चुकता, तो फिर DC इस्लामाबाद ने इजाजत देनी पी, उन्होंने NOC देना पे तू खलो सकना, तो उस F7 के असमत उस कोठी में सुने आ के रह रही, मतलब अंदाजा लाओ कि अगर तो तुम ये समझते हो मुलवस नहीं सी, असल दरिंदा सी, तो फिर इस तरह के थैरेपी वर्क्स भी बाहर फिर रही हो, जी थैरेपी वर्क्स एक मसाजी अदारा है, मसाजी अदारा समझ दो, ए थैरेपी वर्क्स नाम है वह, पागलखाना है एलिटिस्ट क्रीमिस्ट, पागलखाना नहीं होंगे, मतलब नशेई खाना कह लो, मैं खाना एक होंगे एक नशेई खाने तो मुराद के उत्थे ना सैट किया जाता म्यार कि तुम कि मकदार च पीनी है तो तुम ठीक रहोगे, बहुती पी ली या हैश बहुती लै ली, मैथ बहुती लै ली तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो तुम इन्नी क लैनी, तो वो थैरेपी वर्क सदारा है, वो जी टीम गई थी डॉक्टर वामक की सरबराही जी उत्थे नाल दिलीप कुमार भी लै गए थे, वकील नू लै गए थे टीके की जगह, टीका नहीं लैके गए, रस्सियां नहीं लैके गए, हैंडकफ नहीं लैके गए, तो दिलीप कुमार लै गए थे, तो हूँ वो सारिया चीज़ा सामने आ रही ने, नूर मुकदम कि जो उत्थे मौजूद सी तो जाहिर दरिंदा उन्हें कतल कर रहा है, तो जाकर ने वो अब्बे ने उन्होंने फोन करके थैरेपी वर्क्स उत्थे भेजा से, तो उत्थे सारी टीम गई थी, तो कोई शह नहीं लैके गई, तो जाके टीम ने बयान दिता से फयाज महमूद इंटरव्यू दिता से कि वामक जड़ा ठीक है खिलौंदा नहीं, ठीक है, एक वो अमजद सुपरमैन जिन्हों इतने जख्म लगे, इतने जख्म लगे, जख्मी हालत इन्ना जहा है 3 फुट का पतला जहा, तो उन्हें जरा जफा पा के दरिंदे को फड़ लिया, दरिंदा मतलब दरिंदे उन्हें काबू किया, वामक जड़ा उन्हें बयान दिता कि बई मैं जो उत्थे गया तो 40 मिनट थले खलोता रहा क्योंकि मैनू कुछ नहीं पता उत्ते की हो रहा कि कुड़ी भी है कि मामला है कि नहीं, सानू कुछ पता ही नहीं, तो हुण जिहड़े बयान आए ने चौकीदार दे ते माली दे उन्होंने किया कि बई जदों ऐ पहुंचे ने डॉक्टर की टीम थैरेपी की, उस तो पहले जाकर का सानू फोन आया कि बई टीम आ रही है डॉक्टर की, तो वो आके संभालते हैं, तो जिस तरह ही वो टीम आई वो 40 मिनट उत्थे खलोती रही, लेकिन असी उन्होंने आंदियां नाल ही पहुँचते हैं नाल ही उत्थे सनाह दे छड़िया कि बई उत्ते दरिंदा मतलब जाहिर हैगा, तो नाल उहदे कुड़ी भी हैगी है, तो उन्हें छाल मारी सी हले, तो छाल मार के तो उन्हें घसीट के वापस लै गया, जख्मी हालत उत्ते बैठे, तो सारी स्टोरी दस छड़ी थी ए उन्हें बयान च दसी, ठीक है, तो जे अगर उन्होंने बयान सच्चा होया तो फिर थैरेपी वर्क्स वाले कसूरवार होए ना, क्योंकि उन्होंने बयान भी गलत दिता तो फिर उन्होंने पता भी नहीं फिर उत्ते क्यों नहीं गए, लेकिन वो बाहर फिर रहे हैं क्योंकि जमानत हो गई, ठीक है, इस तरीके नस्मत है, तो हुण एक केस बजाय कि इधर उधर जाए या लटके या सही लोगों को सजा ना हो इंसाफ ना हो, तो खान साहब तुहानू भी रिक्वेस्ट करने हैं कि तुसी वजीर आजम हो, तुहाडे हाथ सब कुछ है, मैं जानना सब कुछ है, तो थोड़ा जहा इधर भी जरा ध्यान मारो, हल्का जहा फोन कर दो कि बई यार इंसाफ को सही तरीके होना चाहिए, या कम अज़ कम कोई वकील ही अच्छा दे दो उन्होंने शोकम कदम साहब को, वो शाह खावर साहब तो यकीन करो मतलब हाले तक तो ठंडे ने, हूँ वेखो थोड़ी जी एनर्जी लिया ने बेच के नहीं लिया केस के, तो मामला यह है कि जरा एक तो गरीब उत्तू बदतमीज वाला वो गल कर लीए, जे माली चौकीदार से खान साहब इन तिना के बयान सामने आए हैं, तो तिना के बयान उन्होंने जोड़े दते ने ना उन्होंने बड़ी बेशर्मी नाल तरीके बेशर्मी मुतमईन होकर अपनी गल में कढ़ ली जी उन्होंने अपनी चवल साड़ी थी, तो उन्होंने सारी गल दस छड़ी, उन्होंने कहा कि नूर इस तरह आई थले आई तो वह सब कुछ होया वो फिर वापस लै गया, लेकिन यह नहीं दसिया कि असी गेट बंद किया, तो शौकत मुकदम साहब जिहड़े नूर के फादर वालद साहब ने उन्होंने कहा कि मैं आप CCTV फुटेज वेखी है वो माली तो चौकीदार ने मेरी बेटी नूर रोकया दरवाजा बंद किया, तो दसो उन्हें झूठ बोलना उन्हें CCTV फुटेज वेख के किया, तो CCTV तो रिकॉर्ड से आ जानी, यह मतलब ये मैं तुम्हें गल करा कि सारे जो मुख्तलिफ बयान देख रहे हैं केस को कॉम्प्लीकेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीकेट करने चीज़ जो भी तुम समझो ना मैं तुम्हें अच्छ क्लीयर कर दाँ चीज़ लटकेगी लटकेगी समझ रहे कि जो मुख्तलिफ बयान आ जाएंगे तो वह बहस होएगी बहस होने की वजह तो लटकेगी लटकन की वजह तो आसानियां पैदा हो गई कि वास्ते दरिंदियां वास्ते, तो गल मैं दसन लगा कि आम गरीब होए ना तो उन्होंने तो पोले लित्र मार के तो मनवा लेंगे ना कि भाई दस हाँ किता कि नहीं, उन्हें चोरी ना भी की हो तो कहेगा जी साहब की, तो यहोजे अमीर
ठीक है, वो टाइम भी लै लेंगे ने, फिर ट्रायल भी हो जाता है, वो 3 महीने तो उत्ते हो गए ना, 3.5 महीने तो हाले तक दरिंदा जेल च बैठा है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट फिरता क्योंकि उन्होंने पता मेरी अम्मा रिहा हो गई है ठीक है जमानत से, ठीक है औरत होने की वजह तू तो मैनू भी कितने पागल होने की वजह तू जमानत मिल जाएगी शायद कल या फिर मैं सजा घट हो जाएगी, तो इस तरीके सजा में ट्रायल में अम्मा भी शायद घट सजा हो, तो सारे पूर उम्मीद ने कि कोई गरीब कोई औरत कोई मरीज ठीक है, तो इस तरह ही है ना मरीज करके गरीब करके चलाकियां आदियां ने, एक वो असद जमाल है, अज मैं सारे के पोल खोल रहे हैं, वो ये वकील इन्हों का असमत का ठीक है, वह असद जमाल का हिसाब लाओ जरा, वो बेगम ह्यूमन राइट्स पंजाब चैप्टर की प्रेजिडेंट है, एक ही घर च नारा वजद गो गर्ल मोर पावर टू यू, तो एक ही घर च नारा वजद दरिंदियां छड़ाओ है, यानी कि एक ही घर चुना का वकील दरिंदियां का जरा असद जमाल, तो एक ही घर चो ते सारी खिचड़ी क्यों होंगी, क्योंकि सब गंदा है पर धंधा है, जी मैं तुम्हें पहला बार दसिया बड़ी बारी दसिया कि यह सारे मामले चलते हैं इस तरह तलक अप्रोच ये वो चीज़ा है साडा, यू नो दैट ये इंग्लिश बोलना पैना, दिस इज़ पाकिस्तान बेबी, दिस इज़ पाकिस्तान बेबी, वो कहते हैं कि मतलब मकसद समझ रहे हो कि इंसाफ मिलता है लेकिन किनू मिलता है तुम्हें पता, तो ज़ैनब वाले वाक्य की मैं बार बार मिसाल दिना कि पूरा कसूर निकल आया से एहतजाज होए से डीसी ऑफिस से हमला हो गया से, तो फिर जाके हुकूमत ने कहा ओ हो, तो फिर उन्होंने फटाफट सारे काम नबेड़े ना नबेड़े काम सारे, तो इस तरीके मैं तुम्हें दस रहा कि जो बेचारे शरीफ होंगे ने मोमबत्ती लैके एहतजाज करते हैं उन्होंने गल ही को नहीं सुनता, असूली तौर पर मेरी एक अपनी जिंदगी की जाती राय है, मेरा एक परसनल है कि जो भी हो जाए एहतजाज पुर अमन होना चाहिए, उसमें किसी उस किसी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कोई किसी किस्म का पुर तशद नहीं होना चाहिए, पुरसकून होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि पुरसकून से पढ़े लिखे लोगों की हेल्प करे, तो यह वीडियो मेरी सी खान साहब वास्ते, खान साहब मैंने पता उन्होंने समझ नहीं आनी पंजाबी लेकिन आ भी सकती, या खान साहब के यार जो भी वेखते हैं, क्योंकि मैं तो उर्दू बोल बोल के थक गया, तो मैं इस वास्ते अच्छ साढ़े पंजाबी भी वेखते हैं, कल पछतो बोल लाँगे कुछ होर कहें उस तरह की बोल लाँगे है, चलो बहर अल्लाह तला ता सारे तो फजल करे समझने सोचने की सलाहियत दे, तो वीडियो मैं नहीं छड़नी इस गल के उत्ते जो भी होए, क्योंकि टीवी तो खत्म है तो यूट्यूब पर भी मैं वेखिया सारी दुनिया ने छड़ बैठी, सारी दुनिया छड़ बैठी है नूर मुकदम की, मतलब 4-5 लोग बना रहे हैं इस वीडियो बाकी छड़ बैठे ने, क्यों छड़ बैठे ने क्योंकि हर बंदा अपना सोचता, लेकिन असी तो इन तोड़ पहुँचा के तुम्हें पता दम लवेंगे, असी तो नहीं छड़न वाले ठीक है, तो जे असमत वो उन्होंने समझ आई कोई मेरे 2-4 लफ्जा की, तो मैं तेरी तारीफ कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे तेरी कि तेनों किसी ने नहीं पछाणिया, तू जो दुपट्टा लैके बहू बनी किसी ने नहीं पछाणिया, पता ही कोई नहीं असमत कौन है किसी को नहीं पता ठीक है, तो हाँ तू पता सू बस ये पता कि तू अमरीका तो पढ़ी नहीं है, टेंशन ना लै है, अल्लाह तला ता सारे फसल करे, ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर की करते, जिसने किसी ने मेरे को पंजाबी सीखनी थोड़ी बहुत मतलब सॉरी गल करनी मेरे नाल, वो ये ड्रामा अंडरस्कोर अंडरस्कोर की कत है, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, सलाम अलैकुम वालेकुम असलाम करूँगा, अल्लाह तला ता सारे फसल करे, तो चैनल सबसक्राइब लाजमी करे हो यार, चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि यह उही गल हो गई कि अज मैं इनफ्लुएंसर हूँ, मैं पहला भी किया मैं मतलब हूँ मैं लफज यूज़ नहीं करना, मामले सैट कर देने से मैं तुम सही दस रहे, लेकिन यकीन करो हाल अभी छोटा हूँ ना छोटा हूँ, तो इस वजह तू छोटा होने की वजह तू ज़रा मजबूरी है, लेकिन सब्सक्राइब करो ताकि अल्लाह ताला फजल करे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।